women's cricket team, let's talk a little bit about them. They've been on a roll in test cricket at home in the last 7 months. India's played 3 tests at home since December, 1 each against, you had England, Australia and South Africa. India has won all 3. The team is right now in top form, but you have a few players that are roaring on the field with new records too. In case you missed out on any of them, this segment right now, we're going to tell you a little bit more because our person of interest will tell you all about her own records. We're talking about Sneh Rana. She's a 30-year-old off spinner and she's become the first Indian woman bowler to take a 10-wicket haul in a test match. That's not the only bit. Sneh Rana has also become the second Indian women bowler with the 8-wicket haul in single innings as well. Her record obviously won her the second consecutive player of the match. In fact, she had a cheeky line for the broadcasters at the end of the match as well, who had sort of made a comment about spinners in this sort of format of the game. And she said, people think off spinners are easy to play out. I hope this test has given them a few answers. So not holding back that one. Now, this conversation that we're about to bring you is about her 10-wicket haul in test cricket, her comeback to white ball cricket and impact on WPL. Enjoy. जी जब वो रिकॉर्ड बना था एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि आई हैव बीन इन दैट यू नो एलीट लिस्ट सो आई हैव मेड इट टू द एलीट लिस्ट तो जब मैं बाहर गई तो मुझे सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे एंड तब मुझे पता चला कि ओके ये एक माइलस्टोन बन चुका है फीलिंग बहुत ही सरियल थी बिकॉज हर एक प्लेयर चाहता है कि वो कुछ ना कुछ अचीव करे एंड मतलब वो एक ड्रीम का मोमेंट था मेरे लिए बिकॉज यू नो एलीट प्लेयर के साथ आपका नाम जुड़ना और आई मीन फर्स्ट इंडियन स्पिनर यू नो और सेकेंड इंडियन बॉलर जब आपका नाम वो एलीट प्लेयर्स के साथ आता है तो ऑब्वियसली आपको बहुत बहुत खुशी होती है देखिए ऑब्वियसली पहले इतने टेस्ट मैचेस इंडिया में नहीं होते थे बट आई एम थैंकफुल टू बीसीसीआई कि अभी यू नो सिर्फ 10 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आई हैव प्लेड 3 टेस्ट मैचेस इन इंडिया सो ये प्रोग्रेस कर रहा है एंड स्टेप बाय स्टेप ही प्रोग्रेस होता है हर एक चीज़ ओवरनाइट नहीं हो जाती है नहीं होती है सो यू नो बीसीसीआई ने ये स्टेप लिया है तो आगे चल और अगर ये अभी स्टैट्स बना है तो आगे चलकर आई थिंक और ज़्यादा अच्छे स्टैट्स बनेंगे बट जो ये फॉर्मेट है इस चीज़ को जो बीसीसीआई यू नो ऊपर कर रहा है लेकर आ रहा है अभी हर एक सीरीज के साथ टेस्ट मैच जोड़ रहा है आई थिंक आई कैन ओनली होप कि ये फ्यूचर में और ज़्यादा आए और ज़्यादा हमें खेलने को देखिए द टीम इज शेपिंग रियली वेल इन T20s अगर आपने जिन प्लेयर्स की बात करी है जेमिमा हो गई है यू नो शिफाली एंड श्रेयंका पाटिल रिसेंटली एडेड तनुजा कंवर या राधा यादव आप देखेंगे कि ये जो प्लेयर्स है ये ऐसे मतलब इन्होंने अभी कुछ टाइम से क्रूशियल टाइम पे क्रूशियल नॉक्स खेल के इंडिया को जिताया है यू नो ऐसे टाइम पे जब इंडिया वर यू नो जब आपके पावर प्ले में विकेट्स चले जाते हैं तो आई एम रियली हैप्पी कि इंडियन फ्यूचर सेफ हैंड्स में है